हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ichavani.gov.in पोर्टल पे कैसे हम जो है वाटर टैंकर और कम्युनिटी हॉल की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए सिटीजन का मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। सिटीजन अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा, उसके मोबाइल पे ओटीपी रिसीव होगा और आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको ये पोर्टल दिखता है, ई छावनी का पोर्टल दिखता है, जहाँ पे आप जो है कंप्लेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, वाटर सीवरेज लीज, बर्थ एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी हॉल बुकिंग कर सकते हैं, वाटर टैंकर बुकिंग कर सकते हैं। आप जब भी कोई पेमेंट करेंगे तो वो रिसिप्ट में दिखेगा आपको, आप यहाँ रिसिप्ट में देख सकते हैं, यहाँ नोटिफिकेशन आपको दिखते रहेंगे पोर्टल पे आपको। तो हम आज देखेंगे कम्युनिटी हॉल बुकिंग और वाटर टैंकर बुकिंग। तो पहले हम देखेंगे कम्युनिटी हॉल बुकिंग। कम्युनिटी हॉल बुकिंग में आपको तीन टैब दिखते हैं, पहला सर्च हॉल, माय एप्लीकेशन, हाउ इट वर्क। हाउ इट वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीजर दिख जाएगा, कैसे आप जो है हॉल बुक कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे बुक होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है माई एप्लीकेशन, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको माई बुकिंग्स में जो है आपकी जितनी भी बुकिंग्स आपने कर रखी है वो दिखती रहेंगी। तो हम अप्लाई करेंगे, सर्च कम्युनिटी हॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप छावनी सेलेक्ट करेंगे किसके लिए आपको करना है। तो हमने अनिकेत सेलेक्ट कर लिया, हमने क्या सर्च सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे जो भी हॉल उस छावनी के लिए है वो दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे आप चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं और यहाँ पे बुक नाउ, डायरेक्ट बुक भी कर सकते हैं। तो हमने बुक नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा कि इस डेट के लिए जो है आपके पास बुकिंग अवेलेबल है, आप डेट ले सकते हैं। हमने 23 तारीख की बुकिंग ले ली, यहाँ पे दिखा रहा है एक स्लॉट अवेलेबल है, हमने स्लॉट सेलेक्ट स्लॉट पे गए, वहाँ से स्लॉट सेलेक्ट कर लिया। रेजिडेंट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे, कैंट रेजिडेंट है, नॉन कैंट रेजिडेंट है, मीन्स अगर आप कैंट में रहते हैं या कैंट की सीमा से बाहर रहते हैं। तो हमने कैंट स्पेशल कैटेगरी में, अगर आप कैंट बोर्ड स्टाफ के एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड स्टाफ है या इलेक्ट्रिक मेंबर्स हैं, बीपीएल लाइन है या नन है, तो आप उस तरीके से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। पर्पस में आपको किस लिए चाहिए, हमने कहा मैरिज के लिए चाहिए आपको, जो है उसका रेंट का ब्रेकअप दिख जाएगा, रेंट टोटल क्या है वो दिख जाएगा, और ब्रेकअप देखने के लिए आप वी एस्टिमेट प्राइस पे करेंगे तो आपको ब्रेकअप दिख जाएगा, जहाँ पे आपको जीएसटी वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह का डिटेल वगैरह आ जाएगा। पर्पस मैंडेटरी है, पर्पस आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस लिए चाह रहे हैं। तो हमने मैरिज के लिए कहा, तो हमने कहा फॉर फॉर डॉटर मैरिज। बैंक डिटेल हम डालेंगे, बैंक डिटेल इसलिए मैंडेटरी है इन केस ऑफ कैंसिलेशन, तो आपका जो पैसा रिफंड होगा वो उसी इसी बैंक में होगा जो बैंक डिटेल आपने दी है, तो बाय नेफ्ट या जो है बाय चेक आपको मिल जाएगा। दूसरा, फिर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे फॉर वेरिफिकेशन, तो पैन कार्ड हमने ले लिया, उसका फोटो अपलोड कर देंगे आप जो भी है। आधार, एड्रेस प्रूफ में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी है वो अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से बैंक अकाउंट प्रूफ हमें अपलोड करना पड़ेगा, जो बैंक ऊपर हमने दिया है उसका पासबुक का फोटो अपलोड करना पड़ेगा और सबमिट कर देंगे। कंफर्म करेंगे और एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, हमें एसएमएस के थ्रू और ईमेल से भी ये प्राप्त हो जाएगा। तो जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो हम देखेंगे कि आगे वो कैसे जो है यहाँ माई एप्लीकेशन में जाके हम उसका स्टेटस देख सकते हैं। और जब अप्रूव हो जाएगा तो हमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे आगे। अगर अभी हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जब तक पेमेंट नहीं किया हम खुद से कैंसिल कर देंगे, और जब पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब कैंटबोर्ड आपको रिक्वेस्ट अप्रूव कर देगा तो फिर आपका कैंसिलेशन अप्रूव हो जाएगा और फिर वो रिफंड हो जाएगा। तो पेमेंट भी देखते हैं हम आगे। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, जो भी स्टेटस है व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे हमारा स्टेटस दिखेगा, टेक एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पे का बटन आ गया है, मतलब हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। फीस ब्रेकअप दिख रहा है, एस्टिमेट हम चेक करेंगे और हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, हमारा बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा मॉड्यूल, वाटर टैंकर बुकिंग। वाटर टैंकर बुकिंग में भी आपको तीन टैब मिलेंगे, हाउ इट वर्क, माई एप्लीकेशन एंड वाटर टैंकर बुकिंग। माई एप्लीकेशन में आपका जो है, जब भी आप अप्लाई करोगे तो वो दिखेगा। हम वाटर टैंकर बुकिंग क्लिक करते हैं, कैंट सेलेक्ट करेंगे, किस कैंट के लिए हमें बुकिंग चाहिए। हमने आगरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया, कंज्यूमर नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैटेगरी कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, जनरल या स्टाफ जो भी है। लोकेशन इनसाइड सिविल एरिया, आउटसाइड सिविल एरिया, फिर एड्रेस डालेंगे, बिल्डिंग नंबर वगैरह जो भी है, स्ट्रीट वगैरह, पिन कोड डालेंगे, मोहल्ला सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मोहल्ले में हम रहते हैं। लोकेशन हमें सही देनी होगी, लैंडमार्क जो भी नियरेस्ट है। यहाँ हम गूगल मैप की तरह जो है मैप पे लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जीपीएस लोकेशन उनको मिल जाएगी। डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को हमें बुकिंग चाहिए। कितनी कैपेसिटी का हमें टैंकर चाहिए और कैपेसिटी हम सेलेक्ट करेंगे, किस पर्पस के लिए चाहिए वो पर्पस भी सेलेक्ट कर लेंगे, सोशल, रिलीजियस, डोमेस्टिक। हमें वाटर कैसे चाहिए, ड्रिंकिंग चाहिए, नॉन ड्रिंकिंग चाहिए, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। बैंक डिटेल अपनी डालेंगे, जिससे अगर इन केस ऑफ कैंसिलेशन होता है तो हमारा पैसा जो है हमारे इस बैंक अकाउंट में हमें रिफंड हो जाएगा। सबमिट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम पेमेंट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो पेमेंट चेक करने के लिए जो है, होम पे जाएंगे, वापस वाटर टैंकर बुकिंग में जाएंगे, वहां पे माई एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन दिख रहा है, अप्रूव्ड हो गया है। हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आपने अप्लाई किया होगा तो दिखेगा अप्लाइड है, और डिलीवरी के लिए निकल गया तो आउट फॉर डिलीवरी। इसी तरीके से अगर टैंकर डिलीवर्ड हो गया तो भी स्टेटस मिलेगा, कैंसिल्ड है तो भी आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो आपको सारा स्टेटस दिखता रहेगा, जो डिटेल पे क्लिक किया, जो भी पेमेंट आपको करना होगा वो पेमेंट आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। ड्राइवर की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, तो आप ड्राइवर को कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे डिलीवरी करनी है। टेक एक्शन पे जाएंगे, पे करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी और आपका टैंकर ऑन द डेट डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।